नेक्सॉन डार्क एडिशन के जो ओनर हैं वो केरला से बिलोंग करते हैं, तो उनको थोड़ी हिंदी कम आती है और वो थोड़ा धीरे बोलते हैं, इसलिए हमने वीडियो के अंदर सबटाइटल्स डाले हैं। अगर आपको बेटर ऑडियो क्वालिटी चाहिए तो हेडसेट का इस्तेमाल कीजिए या फिर जो सबटाइटल हमने प्रोवाइड किए उनको देख के आप वीडियो का मज़ा ले सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डिस्काउंट मेरा तो 1,60,000 कुछ मिला था। ये केरला से बिलोंग करते हैं और केरला में अगर ये गाड़ी परचेस करेंगे तो बहुत महंगी पड़ने वाली है, तो ये पंजाब में अभी काम कर रहे हैं तो पंजाब में रह के अगर नहीं है हाई स्पीड में अपने पहले तो मेरा पहले पुराना गाड़ी में ऐसे होता था मेरा थोड़ा हार्ड हो जाएगा इस बीच में। इसमें कुछ नहीं होता, इसमें कुछ नहीं है। इनिशियल पावर थोड़ा कम है ना, मेरे को भी लगता है क्योंकि गुड मॉर्निंग पीपल, आज हमारे सामने खड़ी है टाटा नेक्सॉन डार्क एडिशन और इसमें एक खास बात ये है कि इनके जो ओनर्स हैं उन्होंने अपनी ये गाड़ी 1.6 लाख के डिस्काउंट मिली, बहुत बड़ा डिस्काउंट है। अब इसके बारे में बात करेंगे उन्होंने डिस्काउंट कैसे लिया है और ये नंबर पंजाब का है, पठानकोट का नंबर है, तो वैसे ही थोड़ा सा जो रोड टैक्स होता है यहाँ पंजाब में कम है, और उसके अलावा भी इन्होंने जो डिस्काउंट है वो लिया है, आज उनसे बात करेंगे। इनके जो ऑनर हैं एफिन जी, वेलकम टू द चैनल एफिन जी, चलो आइए अपनी गाड़ी के पास आ जाइए। सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा आपने कब गाड़ी ली, मतलब डेट? मैं बुक कर दिया था 10 तारीख में बुक किया था और गाड़ी हम लोग का मिल गया था वो 1 तारीख में मिल गया था, अभी डेढ़ महीने में आपको बहुत जल्दी मिल गया क्योंकि 2 महीने की वेटिंग आज के टाइम के हिसाब से भी है। दो मैंने बोला था लेकिन 1.5 महीने से मिल गया। ये आपने तब बुक किया होगा जब नेक्सॉन का डार्क एडिशन रिलीज हुआ था, आपने उसी टाइम पे आसपास किया था कहीं पर? अच्छा, आपने कोई कैमो एडिशन नहीं, सॉरी कैमो बोलो, ग्रीन एडिशन इसका एक है ग्रीन कलर का एडिशन, वो ट्राई नहीं किया? व्हाइट और ब्लैक नहीं है तो व्हाइट लेगा, व्हाइट नहीं तो मैं गाड़ी नहीं लेगा। अच्छा, मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं कहता हूँ पसंद है लेकिन नेक्सॉन का व्हाइट थोड़ा अच्छा है। नेक्सॉन का व्हाइट, तो आपको ये जो स्ट्रिप है ये खटकती नहीं है या कैसा लगता है आपको स्ट्रिप? डालना पड़ेगा क्योंकि मैंने अपने नेक्सॉन में आपने देखा होगा जब मैं लेके आया था तो मेरी यहाँ पर पूरी ब्लैक है। हाँ, तो अगर करना है तो बताना, चलते हैं। ये यहाँ से लेके ना पूरा का पूरा ब्लैक मैंने पूरा कराया है, यहाँ तक ये लोगो जो है ना इसको भी निकाल दिया पूरा, तो पूरा गाड़ी मेरा वैसे ग्रीन कलर का हो गया है और साइड में ब्लैक हो गया है, तो वो देखने में अच्छा है। वही सोच रहा हूँ मैं कि पूरी गाड़ी कंपनी ब्लैक एडिशन के नाम से दे रही है। साहब नेक्सॉन का आदमी वाला बोल रहे हैं थोड़ा अच्छा लगेगा। हाँ, बस दो चीज, एक ये और एक ये, ब्लैक वाला, ब्लैक में पीछे वाला ग्रे है कि क्या है? पीछे वाला भी ग्रे है थोड़ा। अरे ये मतलब कंपनी ने अलग किया है कि ये अलग होना चाहिए भाई, ये भी ब्लैक है तो अच्छा है। हाँ, ये पूरा ब्लैक होता तब लगता कि हाँ ब्लैक है, जैसे हैरियर का डार्क एडिशन है वो पूरा ही है एकदम, और आगे से अगर पूरा ब्लैक हो जाए तो फिर तो अलग ही लुक आ जाएगा, जैसे ये फेंडर्स भी ये ब्लैक कर देते, चलो वो थोड़ा बहुत अलग है। अच्छा, आपने इससे पहले और कौन सी गाड़ी देखी हुई थी? गाड़ी यूज कर रहा था। हाँ, कौन सी यूज कर रहे, मतलब आइटन यूज कर रहे थे? अच्छा, घर पे रखा हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ कि ये केरला से बिलोंग करते हैं और केरला में अगर ये गाड़ी परचेस करेंगे तो बहुत महंगी पड़ने वाली है, तो ये पंजाब में अभी काम कर रहे हैं तो पंजाब में रह के अगर पंजाब का नंबर लेते हैं बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलता है, लगभग कितना 70,000-80,000 का डिस्काउंट मिलेगा, 70,000-80,000 का डिस्काउंट मिल जाता है अगर केरला से ना परचेस करके ये पंजाब से परचेस करते हैं। मतलब टैक्स क्या है? टैक्स बहुत ज़्यादा है, मतलब कुछ स्टेट्स हैं इंडिया में जिनमें टैक्स बहुत ही ज़्यादा है और कुछ स्टेट्स हैं जिनमें टैक्स बहुत ही कम, जैसे हिमाचल में है। अच्छा, इसमें आपको क्या प्लस पॉइंट लगा कि भाई ये गाड़ी अगर मेरे को रिकमेंड करनी किसी को? प्लस पॉइंट है तो मेरा तो बोला था पहले छोटा वाला गाड़ी चल के था। हाँ, अभी भाई ये तो इसका सस्पेंशन थोड़ा अच्छा है, सस्पेंशन इसका अच्छा है। आप कभी इसको ऑफ रोड पे ले गए हैं, मतलब खराब रास्ते पे? खराब रास्ते में गया था, वो अच्छा है। हम लोग थोड़ा कम्फर्ट में गाड़ी चलता है, लेकिन वो नीचे का कुछ गिर जाएगा हाँ, वो टच नहीं होगा, ये इसका प्लस पॉइंट है, ग्राउंड क्लियरेंस मेरा क्या गया पूरा टच हो गया था। अच्छा, तो आप इसको लॉन्ग ड्राइव पे लेके गए अभी तक? यहाँ से अमृतसर गए? नहीं गए, अभी जाना आप अमृतसर, आपको सोच रहे हैं तो आपको ना ये बहुत मजा देने वाली, क्योंकि डलहौजी का रोड बहुत खराब है, मतलब आपको लगेगा कि यार अच्छा किया मैंने गाड़ी ले ली हाई ग्राउंड क्लियरेंस वाली, रोड बहुत खराब वहाँ का। इससे पहले आपने इको स्पोर्ट्स देखी थी, वो डीजल में देखी थी ना आपने? तो ये आपने पेट्रोल में परचेस की है, आपने इसका डीजल वेरिएंट चला के देखा था? डीजल वेरिएंट देखा था, थोड़ा बजट प्राइस थोड़ा ज्यादा है। तो इसमें आपको टर्बो लैग फील होता है? हाँ, फील होता है। नहीं, टर्बो लैग फील होता है कि मतलब गाड़ी एकदम से झटका मार के खींचती है एकदम, सेकंड फीचर तो इनिशियल पावर थोड़ा कम है, कम है ना, मेरे को भी लगता है क्योंकि मेरा ऑटोमेटिक है उससे मेरे को ज्यादा ही लगता है, आपका मैनुअल है तो आपको शायद बाद में अच्छा सेकंड गियर में आराम से खींचे। हम लोग एक्सेलरेटर चलने का टाइम थोड़ा
वो मेरे को भी लगता है कि ना मेरा तो चलो ऑटोमेटिक है, मैं उसमें बाकी सब अच्छा है, बाकी सब अच्छा है। इसमें नेगेटिव पॉइंट बोले तो गियर का थोड़ा प्रॉब्लम है। गियर का प्रॉब्लम कैसे मतलब? तो डालने के लिए थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है, टाइट हो रहा है, टाइट है। एक बार मैंने एक मिनट देखी, ग्रैंडेटर यूज करते हैं, यूज करेगा थोड़ा। अच्छा, हुंडई कंपनी से आप टाटा में शिफ्ट हुए ना, तो वहाँ पर आपको थोड़ा फर्क फील हो रहा है। ये तो है कि मेरा गाड़ी तक गियर थोड़ा स्मूथ है, थोड़ा हार्ड है। अच्छा, मतलब जो ट्रांसफर होता है करने के लिए थोड़ा हार्ड है। हुंडई कंपनी का थोड़ा सॉफ्ट होता है, वो थोड़ा सा सॉफ्ट तरीके से बनाती है। सिंगल फिगर में ऐसे डाल सकते हैं थोड़ा, ये नहीं जाएगा। ये बात है। वैसे मैं देख रहा हूँ कि आपकी जो सीट्स हैं आपने बाहर से नहीं लगवाई ना? नहीं नहीं, ये सारी कुछ किया नहीं है, फुट मैट लगवाया है और ये फ्लोर मैट लगवाया है आपने। तो फ्लोर मैट आपको कितने का लगेगा? बाहर से लगवाया 1600 का। और ये जो आप ये वाले हैं, ये वाला भी लगा बाहर से लगवाया कि शोरूम से? बाहर से लगवाया, क्योंकि मैच करते हुए लग रहे हैं, अच्छा लग रहा है। मैं शोरूम में, पंजाब से शोरूम से ही लगवाया आपने? शोरूम में नहीं है, बाहर। अगर आपको मना करना हो ये गाड़ी नहीं परचेज करनी, तो क्या रीज़न रहेगा आपका कि इसमें ये नेगेटिव पॉइंट है, ये मत खरीदो? कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, आप सेटिस्फाइड हैं पूरा इस गाड़ी से? चलो, बढ़िया। आपका सर्विस एक्सपीरियंस अभी तक कोई मेजर एक्सपीरियंस नहीं? अच्छा है ना अभी तक? सर्विस हो गया था वो तो कुछ भी नहीं होता, वो तो बस नाम के लिए जाते हैं, कुछ नहीं करते। अच्छा, सर्विस में भी कुछ नहीं कर रहे? थर्ड सर्विस में ऑयल चेंज आएगा। तो आप इसको मतलब लॉन्ग ड्राइव पे लेके नहीं गए अभी तक? अभी तक मौका नहीं मिला आपको? चलो कोई नहीं, जब लेके जाओगे तब आपको तब मालूम चलेगा गाड़ी कितना अच्छा चलती है कितना नहीं। नेक्सॉन का ब्लैक है? पूरा ब्लैक है। वाह, ये मस्त है। इसका कैमरा कैसा है? रिवर्स कैमरा? अच्छा है। अच्छा अफिन जी, आप बता रहे थे इसमें आपने काफी लंबा चौड़ा डिस्काउंट लिया आपने, आप बता पाएंगे कितना डिस्काउंट मिला आपको, कैसे मिला? डिस्काउंट मेरा तो 1,60,000 कुछ मिला था। ओके, कैनिंग में दिया था, CSD के थ्रू आपने परचेज किया है, तो आपको काफ़ी लंबा डिस्काउंट मिला। आपको एक्स शोरूम के ऊपर डिस्काउंट मिला या फिर ऑन रोड प्राइस के ऊपर डिस्काउंट मिला? एक्स शोरूम प्राइस के ऊपर डिस्काउंट मिला। 1 पॉइंट प्राइस इसका गाड़ी का प्राइस 1,30,000 है, एक्स शोरूम प्राइस। ओके, मेरा को 9,60,000। अच्छा, तो बढ़िया बात है। अगर तो आपको रोड टैक्स जो पड़ा है वो आपको कैंटीन प्राइस के ऊपर पड़ा या फिर जो ओरिजिनल एक्सशोरूम प्राइस था उसके ऊपर पड़ा? जो इनवॉइस जनरेट होता है उसमें आपको कौन सा प्राइस मेंशन है, क्योंकि उसके हिसाब से आपका रोड टैक्स कैलकुलेट होता है। आपका जो इनवॉइस है, गाड़ी का इनवॉइस है, उसमें जो एक्सशोरूम प्राइस है वो कितना मेंशन किया गया है? एक्सशोरूम प्राइस 11,30,000। अच्छा, उसमें वो मेंशन किया गया लेकिन आपने पे कम किया है? पे कम। अच्छा, तो मतलब रोड टैक्स आपको बराबर उसी गाड़ी का पड़ा है, बट जो आपको एक्चुअल प्राइस पड़ा है वो कम पड़ा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसका जो ये वाला सिस्टम है ये स्लो चलता है, इसका कोई सब्सक्रिप्शन भी होता है? नहीं, अभी एक साल फ्री है। एक साल फ्री है पूरा, उसके बाद हम लोग कुछ कैश लगते हैं, रिचार्ज करने बोला इसे। कितना? शोरूम वाला कुछ बोला नहीं है अभी। आप ही लोग, मेरा फ्रेंड लोग कुछ बोला, 6,000 बोला था एक साल में। एक साल में 6,000 का नेविगेशन यूज कर रहे हैं? नेविगेशन नहीं, इसका एक अच्छा उस ऐप को यूज करने का, इसमें नेविगेशन यूज करने का कोई पैसा नहीं है? चलो ये अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारी कंपनी बोलते हैं आपको नेविगेशन यूज करना है मैप माई इंडिया का, तो वहाँ पर आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं, वही साथ में आ जाएगा लगते हैं। मेरे को लग रहा है IR के साथ में नेविगेशन है। इसका क्लच वगैरह कैसा लगा आपको? क्लच तो अच्छा है। इसका ब्रेकिंग कैसा लगा? ब्रेकिंग क्योंकि इसमें ब्रेक प्रीफिल और ब्रेक असिस्ट है, तो उसमें कभी कभी आपको फील होता होगा कि भाई कभी हार्ड प्रेस हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। हाई स्पीड में पहले तो मेरा पहले पुराना गाड़ी में ऐसे होता है, थोड़ा हार्ड हो जाएगा इसमें। हाँ, हाँ। इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। नहीं, आपका ये डार्क एडिशन मेरे को देख के मजा आया। अच्छा, ये सनरूफ वाला है ना? चलो बढ़िया। आपको मेंटेन करने में भी दिक्कत होने वाली है काफी, क्योंकि थोड़ा गर्मी आने दो, जब धूल उड़ना स्टार्ट होगा फिर पता ना मेरे को भी। पीछे भी वो है, इस इवेंट है। चलो बढ़िया लगा आपकी गाड़ी, मजा आया आपको। आपसे कुछ टाइम बाद, 1-1.5 साल बाद फिर से एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि भाई कैसी लगी आपको गाड़ी। क्योंकि मेरे को मेरी गाड़ी में अभी काफ़ी सारी दिक्कतें आनी स्टार्ट हो गई एक साल के बाद। जैसे यहाँ से कभी खड़खड़ आवाज़ आने लग जाएगी। मेरा एक बार डैशबोर्ड खुल चुका है, क्यों क्या हुआ था कि मेरी बैटरी में दिक्कत थी, तो सर्विस सेंटर वालों को समझ में नहीं आया, तो उन्होंने पूरा डैशबोर्ड खोला, क्या क्या खोला, अब कहीं कहीं से नट लूज़ हो गए उसके। तो अगर आपको कभी ऐसा मौका मिलेगा, आपकी बैटरी शायद ख़राब हो सकती है, मतलब गाड़ी सेल्फ लेने की लेगी नहीं, गाड़ी बीप करना स्टार्ट करेगी, लेकिन सब कुछ चलेगा लेकिन बीप करना स्टार्ट कर देगी, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो ऐसी कंडीशन में तो बैटरी खराब होती है। अच्छा लगा आपकी गाड़ी को देख के।
ब्लैक एडिशन, मजा आया, सब कुछ ब्लैक है। ये देखो ब्लैक पूरा, ये मैं सोच रहा हूँ कि ये वाला मिल जाएगा बाहर से, ये जो ब्लैक है पूरा पूरा, जैसे ए पिलर ब्लैक हो, ये ब्लैक हो गया, मेरा ब्लैक बन जाएगा अंदर से। सीट तो ब्लैक है ही मेरा, ये वाले ब्लैक है, बनाएंगे इसको। तो जल्दी स्क्रैच हो जाएगा इसमें, ये स्क्रैच तो होगा। अब एक काम करो, लेमिनेट करा लो इसको। लेमिनेट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं इसको, लेमिनेट कर सकते हैं। अगर ये लेमिनेट हो जाएगा फिर ज्यादा दिक्कत नहीं रहेगा। ये वाला स्क्रैच होगा, फिर ये वाला आपके हाथ तक जाएगा, ये वाला स्क्रैच होगा। मेरा चाबी लगता है तो यहाँ पर ये पूरा स्क्रैच हो चुका है, पूरा हो चुका है, थोड़ा छोटा मोटा स्क्रैच हो गया था। आप इसको लेमिनेट करा लो, वो बेटर रहेगा। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वही बताना, और आपको कोई सवाल है इस गाड़ी के रिलेटेड, पर्टिकुलर ब्लैक एडिशन रिलेटेड, तो हमें कांटेक्ट कीजिए माई मोटर गाड़ी इंस्टाग्राम आईडी पे, या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कीजिए। ये भी अपना रिप्लाई करें कमेंट उसी के नीचे, मैं भी रिप्लाई कर दूंगा, और नहीं हुआ तो मैं इनसे कॉन्टैक्ट करके पूछ के बता दूंगा क्या कोई आपको जानकारी चाहिए। मिलता आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।